हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अन अकेडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन पर डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी मेंस के जो प्रश्न बनाती है वो यहाँ से कैसे बनाती है, ठीक है ना। और चूंकि ये जो पूरा टॉपिक है ये हमारा कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, तो जी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सर भारत छोड़ो आंदोलन इसके पहले भी आपने पढ़ाया था, पर फिर आपने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो मैं आपसे कहूँ बेटा कि एक्चुअली में मैंने पहले प्रिलिम के एस्पेक्ट से पढ़ाया था, बट अब हम लोग मेंस के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि मेंस में जो है वो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपसे इस टॉपिक से। एंड ये चीज़ कहूँ कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कितना रेलेवेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलिए आज इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगा, इंतज़ार भी करूँगा अपने बच्चों का जो धीरे धीरे क्लास से जुड़ेंगे। तो चलिए आइए, और आज का टॉपिक वाकई में बहुत अच्छा है। इस टॉपिक में हम लोग जो है आज महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए इस आखिरी आंदोलन को याद करेंगे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में हिंदुस्तान की जनता को अंतिम बार संबोधित करते हुए कहा था कि आज हमारे सामने दो चीज़ें हैं, या तो हम करेंगे या मरेंगे, करो या मरो। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आपके सामने ये कहने के लिए नहीं आऊँगा कि मैं कोई नया आंदोलन शुरू करने जा रहा हूँ। गांधी जी ने कहा कि मैं देश की जनता को अंतिम बार संबोधित कर रहा हूँ और आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। तो कहने का मतलब ये है कि आज सारे जो पार्ट्स हैं, सारी चीज़ों पे हम लोग रोशनी डालेंगे, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आखिर महात्मा गांधी ने क्यों भारत की जनता से अंतिम संवाद किया, भारत की जनता को क्यों महात्मा गांधी को लग रहा था कि ये बिल्कुल अब सही समय आ चुका है। तो ये सारी चीज़ों पे हमारी आपकी बात होनी है। बस ये कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग कॉपी और कलम अपना रेडी कर लीजिए, क्योंकि देखिए साहब, मेंस के पेपर में लिखाने के अलावा, समझाने के बाद लिखाना, ये दो चीज़ें होता है। अगर हम आपको नहीं लिखाएंगे तो फिर हमने अपना हक अदा नहीं किया मेंस के टॉपिक के लिए। तो बच्चों, आप सब तैयार हो जाइए क्लास के लिए। और बच्चों आप सब तैयार हो जाइए, अब हम लोग क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर थोड़ा सा कहूँगा कि ये अन अकेडमी का लर्निंग ऐप है, तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दूँ कि अगर आप अन अकेडमी को फुल्ली यूटिलाइज करना चाहते हैं, अन अकेडमी को आप कम्प्लीटली इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना चाहिए। और यहाँ इसे डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद मैं आपसे बताऊँ कि स्पेशल क्लासेस भी हमारी चल रही हैं ऐप पर, तो बिना इसके आप स्पेशल क्लासेस हमारी अटेंड नहीं कर सकते। स्पेशल जो क्लासेस होती हैं वो बच्चों के लिए फ्री होती हैं, हर बच्चे इसको अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अन अकेडमी का जो ये ऐप है आप इसे डाउनलोड करिए, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप चाहते हैं मुझे देखना कि मैं अन अकेडमी के ऐप पर कहाँ हूँ या मेरी क्या एक्टिविटी है, तो कुछ नहीं, बस आप मेरा नाम सर्च करिए, MOHD NADIM। ये जो मेरा नाम है इसको आप जैसे ही सर्च करेंगे आप मेरी एक्टिविटी देखेंगे, और साथ में गुजारिश भी कि आप मुझे फॉलो भी कर दिए। अगर आप अन अकेडमी के ऐप पर आ चुके हैं तो मुझे फॉलो भी कर दीजिए, ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा ये अबाउट मी का सेक्शन है, तो मेरे बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अन अकेडमी के प्लान के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका उस्ताद हूँ। मुझे इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं
आप जब तक यूपीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, आप इस एग्जाम को बीट नहीं कर सकते। तो हमारा मकसद ये है कि आपका फाइनल होना चाहिए। तो फाइनल कैसे होगा, इसके लिए आप कुछ टॉपिक्स जो है आप अकेडमी के ऐप पर भी आकर देखिए। हम ये कहेंगे कि यहाँ हिंदुस्तान के बेहतरीन जो टीचर हैं उनसे अनअकैडमी सजी हुई है। अनअकैडमी ने अपने जो अच्छे टीचर्स हैं उनको ऐप पर रखा हुआ है। तो आप आइए और इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे देखिए दो प्लान हैं अनअकैडमी के, है ना। यहाँ पे प्लस है और आइकॉनिक है। प्लस जो होता है ये नॉर्मल प्लान होता है, आइकॉनिक स्पेशल प्लान होता है। और मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि भाई आप आइकॉनिक लीजिए। आइकॉनिक में क्या है कि कोच या गाइड मिलेगा जो ज़रूरत पड़ने पर आपकी पूरी मदद करेगा। आपको फोन फोन आप फोन से इससे जुड़े होंगे, ये आपको बताएगा जो भी ज़रूरत होगी। आप बताइए, आप पूछिए, जो भी ज़रूरत होगी आप पूछिए, ये आपको जवाब देंगे। तो मैं तो कहूंगा कि आप आइकॉनिक लीजिए, बट आप नॉर्मल अगर लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे 1 महीने से लेकर और 3 साल तक की यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है। बस यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि मेरा रेफरल कोड MNUS ही यूज़ करिए। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपसे रेफरल कोड मांगा जाता है कि हैव यू एनी रेफरल कोड। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा ही रेफरल कोड यूज़ करिए, MNUS। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे 10% आपकी फीस कम हो जाएगी, ठीक है ना। और आइकॉनिक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी देख लीजिए। ये तो मैं कहूँगा कि बच्चों अगर लेना है तो आइकॉनिक लीजिए। आइकॉनिक से बढ़िया और कुछ नहीं, आइकॉनिक सबसे अच्छा है। इसमें कोच या गाइड आप लोगों को मिलेगा। तो जब भी एडमिशन लीजिए रेफरल कोड मेरा यूज़ करिए, MNUS फॉर 10% डिडक्शन। 10% जब भी एडमिशन लीजिए यूज़ करिए मेरा रेफरल कोड MNUS। क्यों? क्योंकि 10% जो फीस की छूट मिलेगी आपको वो मेरे रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपने देखा। अच्छा, ऑप्शनल भी है। बहुत से लोगों का कहना था कि सर हम लोग ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं या हम लोग केवल एक आपका सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बटा है, इसमें से जो पसंद हो ऑप्शनल सेलेक्ट करिए। यहाँ पर प्लान है पूरा, इसको देख लीजिए। और जैसे ही मेरा रेफरल कोड आप लगाओगे ना MNUS, वैसे ही 10% फीस आपकी कम हो जाएगी। तो ये जैसे ही मेरा रेफरल कोड MNUS जैसे ही मेरा रेफरल कोड MNUS लगाएंगे वैसे ही 10% फीस आपकी कम हो जाएगी। तो बच्चों यही है। अब आइए टॉपिक पर आते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है और आपको पता ही है कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सबसे चर्चित आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। इतिहास में इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि देख सकते हैं आप। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, इसको स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। कई चीजें थी साहब इसमें, कई मामलात थे, कई बातें थी। तो चलिए, हमने प्रिलिम के ऑस्पेक्ट से तो पहले पढ़ाया है पूरा डिटेल। मैंने प्रिलिम के ऑस्पेक्ट से आप लोगों को पढ़ाया है। अब आज जो है हम लोग मेंस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए साहब, क्रांति क्रांति का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए। अगस्त क्रांति इसे क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा मैं तो डिस्कस करना लाजमी हो जाता है। आप में से बहुत से बच्चे नए होंगे कि भाई इसको अगस्त क्रांति क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। इसे अगस्त क्रांति क्यों कहा जाता है, ठीक। तो देखिए साहब, अगस्त क्रांति इसलिए कहा जाता है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 8 अगस्त से हुई थी, ठीक। तो अगस्त जो नाम है, 8 अगस्त से शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू किया था। बॉम्बे के उस जमाने में बॉम्बे और आज के जमाने में मुंबई, बॉम्बे के ग्वालिया टैंक बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना।
मुंबई में, मुंबई में अगर आप कहीं, मुंबई में अगर आप गए हो तो मुंबई में दादर एक जगह है, वहीं पर ये ग्वालिया टैंक मैदान है, ठीक है ना। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत मुंबई से की थी, बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से की थी, मुंबई से की थी, बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से की थी। समझ में आ गया। अब एक चीज आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, इस आंदोलन को क्रांति क्यों कहते हैं आप? ये एक प्रश्न बन सकता है, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये क्रांति क्यों था। तो देखिए बेटा, क्रांति का मतलब ये होता है, क्रांति का दूसरा जो नाम होता है वो परिवर्तन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्रांति का जो मतलब होता है वो परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है। यानी जब जनता परिवर्तन चाहती हो, जब किसी देश की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, बहुत सी चीज़ों में चेंजिंग दिखाई देने लगे, तो ये जो वर्ड है वो परिवर्तन। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए साहब, क्रांति जब भी होगी तो चीज़ों में बदलाव होगा। अगस्त क्रांति इसलिए भी कहते हैं कि जब ये आंदोलन चला था ना, तो इसने चीज़ों को बदल के रख दिया था। आपको पता ही है कि इस आंदोलन के बाद ही भारत को आज़ादी मिली थी। तो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? एक एक जो है पुराना सिस्टम, एक गुलामी का जो तमगा था वो हट गया और देश आज़ाद हो गया। तो क्रांति जो है ना वो बदलाव का मतलब। एक शब्द जैसे आप कहेंगे कि सर स्वतः स्फूर्त का मतलब क्या होता है? स्वतः स्फूर्त शब्द से क्या मतलब होता है? स्वतः स्फूर्त का मतलब होता है स्वयं शुरू होना, अपने आप शुरू होना। स्वतः माने अपने आप, स्फूर्त माने शुरू हो जाना। तो देखिए इस आंदोलन की एक विशेषता ये थी कि ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो नेता थे, लेकिन एक दो दिन के अंदर ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी आंदोलन चलता रहा। ये इसकी बड़ी मिसाल है कि ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनता थी वो इतनी ज़्यादा जागरूक हो गई थी कि उन्होंने आंदोलन खुद ही डील करना शुरू कर दिया, खुद ही चलाना शुरू कर दिया। यानी अंग्रेज भौचक्के रह गए कि कमाल है, ना तो गांधी है, ना तो नेहरू है, सब के सब अंदर है, सब जेल में है, फिर भी जो है ये आंदोलन चल रहा है। तो ये एक आप अंदाजा लगे, ये बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं थी। तो स्वतः स्फूर्त का मतलब होता है कि जब खुद ही अपने आप चीजें होने लगे, चलने लगे, तो ये चीज स्वतः स्फूर्त कहलाती है। तो पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चला, नेता गिरफ्तार थे, जेलों में बंद थे, लेकिन फिर भी आंदोलन चलता रहा। तो यही कारण है कि इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है। ये कुछ बिगिनिंग वर्ड्स थे बेटा, कुछ प्रारंभिक शब्द थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। क्योंकि देखिए अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन आप पढ़ रहे हैं तो ये जो शब्द है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, अब हम लोग इस मुकाम पे आ चुके हैं कि हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे क्लास को। तो आप रेडी हैं? आप लोग तैयार हैं क्लास के लिए पूरी तरह से? और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अब जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे क्लास से। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत किया जाए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक 1942, ये हमारा मेन टॉपिक है। और ये हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए आज पढ़ रहे हैं, प्रीलिम के लिए नहीं, बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग, आज हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग यहाँ बात करेंगे, है ना, कुछ खास पॉइंट्स पर बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज है कि इस आंदोलन के शुरू होने से पहले कुछ हालात थे। दुनिया में कोई भी काम जो होता है वो अचानक नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई हालात होते। तो क्या हालात थे, क्या परिस्थितियां थीं इस आंदोलन के शुरू होने से पहले, उन पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए परिस्थितियों पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहली परिस्थिति ये थी साहब कि
इस समय जो है वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार। आपको तो पता ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1939 में शुरू हुआ और 45 तक चला। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि द्वितीय विश्व युद्ध का ज़माना था। और इस समय कहने का मतलब ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हिंदुस्तान की सेना को बिना हिंदुस्तानियों से पूछे हुए विदेशों में भेजना शुरू कर दिया। तो उस समय जब ये आंदोलन छिड़ा था उस समय कांग्रेस जो है वो सत्ता में थी, पावर में थी। आपको पता ही होगा कि कांग्रेस ने 28 महीने शासन किया, ये तो आपको जानकारी है ही है, किया कि नहीं किया? किया था ना, कांग्रेस ने 28 महीने तक शासन किया था। कांग्रेस पावर में थी, सत्ता में थी, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, अब यहां पर यह था कि जब हिंदुस्तान की सेना को, हिंदुस्तान की फौज को, जब हिंदुस्तान की फौज को विदेशों में भेजा गया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यार कमाल है, हम यहाँ पर मंत्री हैं, यहाँ पर हम शासन कर रहे हैं, आपने हमारी फौज को बिना हमसे पूछे कैसे भेज दिया विदेशों में। कांग्रेस का ये जो सवाल था वो जायज था कि नहीं, एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइए कि क्या कांग्रेस सही थी कि नहीं? एक तरफ तो आपने विधानमंडल बना रखा है, एक तरफ हमें मंत्री बना रखा है, ठीक है, एक तरफ आपने हमें मंत्री बना रखा है और दूसरी तरफ हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कांग्रेस ने इस चीज का विरोध किया, सवाल पूछा कि क्यों भेजा, सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो कांग्रेस ने कहा कि भाई हम उस जगह पर नहीं रह सकते जहां पर हमारी कोई वैल्यू ना हो। वैसे भी कांग्रेस सरकार में शामिल इसलिए हुई थी क्योंकि वो चाहती थी कुछ सुधार, कुछ रिफॉर्म चाहती थी, कुछ एक उस जमाने में एक तरह से देखा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है जो एक साइलेंट मोड हो गया था, लोग चुप हो गए थे, वो चाह रही थी कि थोड़ा कुछ काम, कुछ वर्क। तो कांग्रेस ने ये सवाल किया कि भैया आपने क्यों हमारी फौज को बिना हमसे पूछे भेज दिया, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कांग्रेस ने कहा कि जब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, और किसी ने एक लाइन लिखी है यहां पर कि जिस घाट पे पानी पीने से अपमान प्यास का होता, बेटा सुनना, 1 मिनट सुनना, जिस घाट पे पानी पीने से अपमान प्यास का होता हो उस घाट पे पानी पीने से मर जाना बेहतर होता है, उस घाट पे पानी पीने से मर जाना बेहतर होता है। तो ये सच्चाई है। कांग्रेस ने कहा कि भाई हमारी सेना को आपने क्यों भेजा, और जब इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने क्या किया, विथड्रॉ कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, हमने लिखेंगे कांग्रेस ने यहां पे लिखेंगे कि अंग्रेजों ने भारतीय सेना को बिना भारतीयों से पूछे ना द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए है ना विदेश भेज दिए। करेक्ट, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां पे? ठीक, कांग्रेस ने
कांग्रेस के पूछने पर, कांग्रेस के ये बात पूछने पर कि सेना को भेजने से पहले हमसे क्यों नहीं पूछा गया? हमसे क्यों नहीं पूछा गया, है ना? संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। क्लियर है बेटा? किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एक वन ऑफ द बिग रीजन था ये चीज, ठीक है ना? एक बड़ा रीजन था कांग्रेस ने कहा कि भाई जब हमसे नहीं पूछा गया तो हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं, इसलिए कांग्रेस ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ये चीज समझ में आ गई। ये पहला जो बिंदु था, पहला जो पॉइंट था, ये समझ में आया कि भारत छोड़ो आंदोलन को छेड़ने के पीछे क्या कारण था, क्या रीजन था, ये पर बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? और देखिए साहब, एक बात बताएं, महात्मा गांधी भी ना अंग्रेजों को समझ गए थे बहुत अच्छी तरह से कि ये वो लोग नहीं हैं जो इंसानियत की बात करें, या इनके दिल में हिंदुस्तान के लिए कोई रहम दिली जैसी चीज नहीं। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चला था तो गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने यही कहा कि भाई इस समय अंग्रेज मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और महात्मा गांधी ने सैनिकों को भर्ती करवाया, बाद में उनको सैनिकों को भर्ती महात्मा गांधी ने सैनिकों को भर्ती करवाया, लोग उनको भर्ती करवाने वाला सार्जेंट कहने लगे थे। गांधी जी को आशा थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेज जो है कुछ रियायत करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी अंग्रेजों ने नहीं किया, बल्कि दमन तेज कर दिया। आपको तो ध्यान होगा ही, ये चीज मैंने बताया भी था। तो गांधी जी ना समझ गए थे कि ये जो है सुनने वाले लोग नहीं है, तो बड़ा नाराज थे इस बात से। गांधी जी बहुत नाराज थे, अंग्रेजों के प्रति उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा थी। और इस बार जो है आप कह सकते हैं कि गांधी जी के अंदर जो है उग्रता देखी गई है। 1942 के मूवमेंट में गांधी जी थोड़ा उग्र थे, थोड़ा मिजाज उनका गर्म था, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां की थी, बहुत सारी ऐसी गलतियां की थी। देखिए साहब, एक चीज मैं आपसे बताऊं, कोई आदमी आपको बार बार परेशान कर रहा है, कोई इंसान आपको बार बार तकलीफ दे रहा है, इंसान को धैर्य रखना चाहिए, लेकिन धैर्य इतना भी मत रखिए कि वो गुनाह हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? भाई आप किसी के लिए फूल बिछा रहे हैं, कोई कांटे बिछा रहा है, ठीक है, इंसान को धैर्य रखना चाहिए। ये बात सही है कि कोई आदमी आप पर बिल्कुल तरस नहीं खा रहा, जुल्म पे जुल्म कर रहा है, जुल्म पे जुल्म, आप उसके लिए खड़े हैं, वो जुल्म पे जुल्म कर रहा है, लेकिन एक सीमा के बाद, एक एक जो है तय सीमा के बाद, वो चीज जो है जुल्म जो होता है ना, वो पाप बन जाता है, वो सब्र जो है वो पाप बन जाता है। तो गांधी जी समझ गए कि अब समय आ गया है कि अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और गांधी जी ने, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर मैं कहूँगा कि ठीक वैसे ही जैसे किसी ने लिखा कि वसूलों पे जवा चाहे तो टकराना जरूरी है, वसूलों पे जवा चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो उसे जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो उसे जिंदा नजर आना जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि गांधी जी थोड़ा सा मिजाज में थे इस टाइम,
थोड़ा मूड बना लिए थे एकदम से, समझ गए थे कि ये सुधरने उधरने वाले नहीं, तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। अगर आप हुक्म दें, अगर आप आज्ञा दें तो इसको मिटाया जाए, ठीक है। और मिटा के फिर दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं तात्कालिक परिस्थितियों की या कुछ कंडीशंस की बात कर रहे हैं, हालात क्या थे उस जमाने के, ऐस ये बात कर रहे हैं। तो आप लोग इसको मिटा मिटा दिया मैंने। और दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं है कि हम तेज़ पढ़ा दें आपको, हम जल्दी पढ़ा दें, ख़त्म कर दें, ना ये मैटर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने पढ़ाया, अगर आपने एक लाइन भी सीख लिया, अगर एक एक पैरा भी, एक टॉपिक भी क्लियर हो गया, तो मैं कहूँगा कि मेरी मेहनत जो है वो हो गई, वो मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो मेरे पढ़ाने का नज़रिया यही रहता है कि आप क्लास को एंजॉय करिए, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप एंजॉय करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि गांधी जी अंग्रेज सरकार से नाराज थे, ठीक है ना। गांधी जी अंग्रेज सरकार से नाराज थे और उन्होंने कुछ करने की ठान ली थी। समझ में आ गया बेटा, मतलब बताने वालों के अनुसार, मतलब उस जमाने विद्वानों, विद्वानों के अनुसार लोगों ने देखा, विद्वानों के अनुसार गांधी जी का जो टेम्पर था ना, गांधी जी का जो मिजाज था ना, थोड़ा सा उग्र था इस टाइम। और महात्मा गांधी समझ गए थे कि ये रहम वहम करने वाले लोग हैं नहीं, या इनके साथ रहम करना भी जो है एक तरह से पाप को बढ़ावा देना, ये मतलब ये रहम कर, कहने का मतलब ये है कि ये रहम करने वाले लोग नहीं है। और गांधी जी धीरे धीरे तैयार थे, एकदम रेडी हो रहे थे। आपको मैं बता दूं, एज ए एग्जाम्पल अगर आप लें तो कांग्रेस की जो वर्धा समिति हुई थी, वर्धा में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो वहाँ पे ये था कि देखिए गांधी जी आंदोलन चलाने के बिल्कुल रेडी थे, बिल्कुल तैयार थे आंदोलन चलाने के लिए। तो वर्धा में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में गांधी जी ने कांग्रेस से पूछा कि भाई आप लोग तैयार हैं कि नहीं। देखिए एक एक बहुत बढ़िया चीज़ आपसे बता रहा हूँ कि एक अच्छा इंसान जो होता है ना, वो सबकी मर्जी से काम करता है। एक बढ़िया इंसान जो होता है सबकी मर्जी से काम करता है, और किसी पर अपने बातों को थोपता नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लोगों से पूछा था कि आप लोग तैयार हैं, क्योंकि अब हम डू और डाई वाले हिसाब पे, अब हमारा मामला सब आगे पीछे वाला मामला नहीं। क्योंकि देखिए कांग्रेस में भी दो तरह के लोग थे ना यार, कुछ लोगों का मानना था कि नहीं आंदोलन चलाया जाए, कुछ का कहना था कि नहीं अंग्रेज फंसे हुए हैं तो ये बुरी स्थिति है। तो उन पर देखिए गांधी जी बड़ी प्रैक्टिकल इंसान थे, गांधी जी बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे वो, उन्होंने ये प्रैक्टिकल कर लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अंग्रेजों को पूरा मौका दिया था। और देखो इंसान को ना सामने वाले को मौका देना चाहिए, ताकि उस ये अफसोस ना रहे कि अरे यार हम एक बार उसके साथ ऐसा कर लेते तो ये चीज़ मतलब ना होती, या हम उसे एक बार उसे मौका मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने अंग्रेजों को मौका दे रखा था, लेकिन भाई यहाँ पे तो मामला यही था कि हालात तो ख़राब थे, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये तो मामला वहाँ यहाँ पर तो ये था। अब मैं आपसे बताऊं जनाब, कांग्रेस की वर्धा में बैठक हुई, और बैठक में गांधी जी ने कांग्रेस के लिए देखा, उन्होंने सब भाई समझ में तो आ ही जाता है
बैठक हुई वर्धा में कांग्रेस की, बैठक हुई वर्धा में कांग्रेस की, और गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि देखिए साहब, आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो नहीं आइए। अगर कांग्रेस मेरा साथ नहीं भी देती है तो मुझे कोई गम नहीं है। हाँ, मैं कांग्रेस से बड़ी जो है इमारत बना दूंगा। मैं कांग्रेस से, गांधी जी का कहना था कि मैं कांग्रेस से बड़ी पार्टी बना दूंगा, देश के बालू से ही मैं इतना बड़ा संगठन बना दूंगा। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस को चैलेंज कर दिया था कि हम आपके भरोसे पे नहीं है। ये मत समझिएगा कि हम कांग्रेस पार्टी के भरोसे पे हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी के भरोसे पे रहते ना तो वही हाल होता। हम कानूनी मांग लेके जाते, हम उनके सामने जाते, जिंदाबाद का नारा लगाते और अंग्रेज जो है वो लॉलीपॉप पकड़ा कर भेज देते। तो गांधी का कहना था कि नहीं यार, मैं ये सब चीजों में नहीं, आपको आना है तो खुल कर आइए, नहीं आना है तो मत आइए। तो ये भी मामला था भाई, कहने का मतलब ये था। अब आप कहेंगे ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये बेटा हालात थे, ये कंडीशन थे उस जमाने के। इस कंडीशन को जाने बिना आप भारत छोड़ो आंदोलन को समझ नहीं सकते। अगर भारत छोड़ो आंदोलन को समझना है तो थोड़ा सा हालात और कंडीशन पर भी आपको विचार करना होगा। मान लीजिए प्रश्न यूपीएससी मेंस में, पूछ लिया गया कि भाई ये लड़ाई या आंदोलन शुरू होने से पहले क्या हालात है, क्यों महात्मा गांधी को डू और डाई वाला डिसीजन लेना पड़ा, तो आप क्या बताओगे कि ऐसे हालात थे, ये जो प्रॉब्लम थी वो ये लोग कर रहे थे, ऐसे हालात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। किसी भी मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बता सकता है। और टेलीग्राम का आईडी है साहब, टेलीग्राम का आईडी है, वहां पर आप आइए, ठीक है ना, और वहां पे जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो है टेलीग्राम की आईडी होती है, वहां क्लिक करके आइए और आपके मन में अगर कुछ बात है तो वहां बताइए, बल्कि यहां भी, ठीक है ना। तो ये चीज थी साहब। तो अब मैं यहां पर आपको बताऊं कि कहने का मतलब कि देश के जो हालात थे, कंट्री के जो कंडीशंस थे, वो ऐसे बन गए थे, ऐसे हालात बन गए थे कि यहाँ पर अब टकराव की स्थिति आ चुकी थी। तो हम अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि महात्मा गांधी पूरी तरह से तैयार थे। क्या लिखेंगे बेटा कि महात्मा गांधी आंदोलन के लिए तैयार थे। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी भी दी यदि कांग्रेस उनका साथ नहीं देती तो वो देश के बालू से देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे। बताएं साहब, समझ में आया कि नहीं आया। महात्मा गांधी का देखिए, ये मिजाज में आपको टेम्परामेंट बता रहा हूं कि व्हाट वाज द टेम्परामेंट ऑफ दैट टाइम, क्या कंडीशन थी उस जमाने में, किस तरह के हालात थे। तो गांधी जी का मिजाज तो आप समझ ही गए हैं कि इस टाइम गांधी जी का मिजाज कैसा हो गया था। बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं थे, बिल्कुल तैयारी कर चुके थे। उनको पता था कि भाई
देखिए, एक चीज हमने देखा है कि महात्मा गांधी ने जब तक हालात को ठीक से उन्होंने हालात को ठीक से समझा, हिंदुस्तान के लोगों को ठीक से समझा, कांग्रेस पार्टी को ठीक से समझा, और जब उनको लगा कि सही समय आ चुका है, उन्होंने हीट कर दिया। कहा जाता है कि दुनिया के जो कामयाब लोग होते हैं उनके अंदर यही काबिलियत होती है कि वो सही समय पर काम करते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज अब इसको आप नोट करेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं। प्लीज बेटा जल्दी से इसको नोट करिए आप सभी। अगर आप नोट कर लेंगे तो मैं जल्दी से इसको मिटा दूंगा। और किसी भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगी अगर, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज ज़रूर करिएगा, टेलीग्राम पर मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना? अब चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदु थे बेटा, है ना? ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर हमने आपसे चर्चा किया। अब आइए हम लोग पृष्ठभूमि की बात करते हैं, असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि। तो चलिए गेट रेडी, चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग पृष्ठभूमि पे बात करते हैं। सवाल क्या होगा? असहयोग आंदोलन, सवाल ये होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि थी, इसकी चर्चा करिए, ठीक ना? यही प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो अब हम लोग जो हेडिंग डाल लें वो पृष्ठभूमि। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? किसी भी मेरे इस फ्रेंड को अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर बताएंगे। तो अब आइए पृष्ठभूमि की बात करते हैं हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि लिख लीजिए। हम लोग यहाँ पर पृष्ठभूमि की बात करेंगे, आखिर क्या पृष्ठभूमि थी, क्या कंडीशन थी, क्या हालात थे उस जमाने में। चले देखिए साहब, पृष्ठभूमि में पहली चीज, इसको ध्यान देना, पहली चीज ये है कि देश के, कंट्री के हालात खराब थे। कारण ये था कि वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था ना भाई, इस टाइम चल रहा था कि नहीं चल रहा था, आप बताइए। सेकेंड वर्ल्ड वार इस समय एकदम चरम पे था, और आपको पता ही है कि सेकेंड जो वर्ल्ड वार था इसमें इंग्लैंड एक तरफ था, इंग्लैंड के साथी थे एक तरफ, और दूसरी तरफ जर्मनी और इटली और जापान का गठबंधन था। ये पृष्ठभूमि थी इस लड़ाई में। तो इस समय हम लिखेंगे पृष्ठभूमि में नंबर वन पर कि विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। पृष्ठभूमि यही थी ना बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध
चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस जमाने में चल रहा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ी चीज है कि जापान, जर्मनी और इटली का गठबंधन था। देखिए साहब, ये जो तीनों देश थे, तीनों ही देशों में उस समय तानाशाही शक्तियों का शासन था। तीनों ही देशों में, तीनों ही देशों में उस समय तीन तीन तानाशाही शक्तियों का शासन था, तानाशाही शक्तियों का शासन था। जैसे जर्मनी में एडोल्फ हिटलर, इटली में मुसोलिनी और जापान में तोजो। कहा जाता है कि इन तीनों लोगों ने ये डिसाइड किया था कि दुनिया को जीतने के बाद हम लोग दुनिया को तीन भागों में बांट देंगे। ये पूरा डिसाइड हो चुका था, समझ में आ गया, लड़ाई चली। देखिए साहब, हमारा क्या था, महात्मा गांधी ने इस लड़ाई के दौरान ही अंग्रेजों से पूछा कि मान लीजिए हम आपका सहयोग करते हैं, सपोज दैट, मान लीजिए हम आपका सहयोग करते हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा होता है, तो हमें क्या देंगे? क्योंकि अंग्रेज जो है उस समय ये कह रहे थे कि ये लड़ाई जो है साम्राज्यवाद के विरुद्ध है, तानाशाही के विरुद्ध है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही। तो यहां पर जो है गांधी जी ने कहा कि भाई मानवाधिकार की बात आप कर रहे हैं, तो आप हमें क्या देंगे? तो उन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई महात्मा गांधी आजादी मांगेंगे। गांधी जी, उन्हें पता था कि गांधी जी आजादी मांगेंगे, और अंग्रेज इस चीज को देने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। तो ये चीज समझ लीजिए। अब उसके बाद तो गांधी जी ने कहा कि यार ये तो बड़ी बुरी चीज है कि आप एक तरफ मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि क्या आप हमें मानवाधिकार देंगे, तो आप कुछ बोल नहीं रहे। तो इस तरह के हालात थे, ये जो दोहरापन था अंग्रेजी हुकूमत में, तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये दोहरापन था। तो अब जो है यहां पर मैं आपसे बताऊं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, गांधी जी ने सोच लिया था कि भाई हमें यहां पर बिल्कुल अब अपने लिए काम करना। अच्छा, हुआ क्या कि अभी भी बड़ा उहापोह की स्थिति थी कि क्या किया जाए। कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, कुछ नेता थे, कांग्रेस में कुछ लोग थे उनका कहना था कांग्रेस में कुछ लोग थे उनका कहना था कि नहीं भाई, अंग्रेज फंसे हुए हैं, इस टाइम हमको अटैक नहीं करना चाहिए, या फिर ये चीज़ें अच्छी नहीं है। अब हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब जापान क्या हुआ, जापान भारत के काफ़ी करीब आ चुका था, और म्यांमार वगैरह जो है अंग्रेजों ने खाली करना शुरू कर दिया था। म्यांमार जो पुराने ज़माने में जो है, जी हाँ, बर्मा जिसको कहा जाता था, अंग्रेजों ने वहाँ खाली कर दिया था, अंग्रेजों ने बर्मा खाली कर दिया, जो गोरी बस्तियाँ थी वो खाली कर दी गई, और वहाँ के लोगों को, बाकी लोग जो म्यांमार के लोग थे, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि भारतीय जो सैनिक थे जो उस जमाने में वहाँ लड़ रहे थे म्यांमार की तरफ, उनकी जो लाशें हैं या वो भर के गाड़ी में आ रहे थे, मैंने ट्रेनों में लाद के उनको भेजा जा रहा था, मैंने काफ़ी घायल सैनिक आ रहे थे, और ऐसा डर हो गया था कि बहुत जल्द अब जो है कलकत्ता वगैरह का जो इलाका है, या बहुत जल्द जो है भारत के कुछ इलाके वो जापान अपने काबू में करना चाहता है। तो अब ऐसे हालात थे कि हिंदुस्तान पर पूरा हमले का डर था। दूसरी तरफ अंग्रेजों की जो कंडीशन थी वो ये थी कि वो पीछे हट रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो हिंदुस्तान को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ले जाके छोड़ देंगे। तो ये तो गलत था ना यार, आप बताइए, ये तो गलत था। या तो आप हमें पावर दे दो कि हम संभालें, हमारे देश के लोग संभालें, या फिर तुम भाई देश में शासन कर रहे हो तो तुम देश को बचाओ। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं किया, तो गांधी जी समझ गए कि भाई अगर अभी नहीं हम उठेंगे तो कभी नहीं। तो गांधी जी ने फिर कांग्रेस के लोगों को भी समझाया, या कांग्रेस के लोगों को भी समझ में आ गया कि अंग्रेज बिल्कुल भी रहम करने के लायक नहीं है। तो पहला रीजन बेटा क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, है ना, अंग्रेज हार रहे थे,
भारत पर जापानी हमले का खतरा, जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग भारत को बर्बादी की हालत में छोड़ देंगे। भारत को बर्बादी की हालत में छोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जाहिर सी बात है, जो लोग अंग्रेजों पर हमला नहीं भी करना चाहते थे, या जो लोग या जो लोग आंदोलन न करने के फेवर में नहीं थे, वो लोग भी समझ गए कि भाई अब तो हालात खराब है, अब तो यहां पर उठना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। तो अब कांग्रेस की जो असमंजस थी वो दूर होने लगी और धीरे धीरे पूरा देश गांधी जी के साथ खड़ा हो गया। तो समझ में आ गया बेटा, पहली जो पृष्ठभूमि थी। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, कोई भी चीज़ आप लिखो तो सबसे पहले बेटा ना, लिखने के बाद पहली चीज़ है कि इसको समझना ज़रूरी है, ऐसा था कि नहीं। क्योंकि जब तक आप एग्री नहीं करोगे तब तक आपकी लेखन शैली में वो बात नहीं होगी। एक होता है ना कि किसी किसी ने कुछ कहा, उसको आपने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। एक होता है कि आपने उसको समझा, आप चीजों को समझ रहे हैं फिर लिख रहे हैं, तो इसका जो नजारा होता है, इसका जो अंदाज होता है वो अलग होता है। समझ में आ रहा है? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है? यहां से चीजें क्लियर हो रही बेटा? ठीक है ना? तो एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भी बच्चे को? बताइए, और मुझे टेलीग्राम में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, आज का टॉपिक बढ़िया है, ये कहूँगा कि इसकी जो रेलेवेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत कायदे से, बहुत मेहनत से पढ़ना है। ठीक है ना? चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, जो बच्चे लिख लें वो बेटा डन जरूर लिख दो। आप अगर नोट कर ले रहे हैं तो आप डन जरूर लिख दिए कि सर हमने नोट कर लिया। ठीक है ना? मैं ये क्या हो गया? चलिए, हम लोग पृष्ठभूमि पे बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि महात्मा गांधी को डिसीजन लेना पड़ गया। आखिर वो कौन से रीजंस थे कि गांधी जी को कहना पड़ गया कि भाई डू और डाई, हम लोग तैयार हैं पूरी तरह से, क्या कारण था? तो यही जो बेटा ये आज का जो टॉपिक है इसी पर आधारित है, पृष्ठभूमि की हम लोग बात करें। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर एक टॉपिक भी आपका तैयार हो गया ना, तो यकीन मानिए आपके बेहतरीन नंबर्स तैयार हो गए।
करेक्ट। अब आगे बढ़ते हम लोग, और क्या हालात थे भाई कंट्री में? एक तो वैलिड रीजन मिल ही गया यहां पर, दूसरी जो पृष्ठभूमि थी वो मैंने कांग्रेस वाला बताया ना, दूसरी जो पृष्ठभूमि थी सेकंड वाली, कि कांग्रेस उस समय शोषण शासन कर रही थी। कांग्रेस 28 महीने तक शासन किया और कांग्रेस ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने यही कहा कि यार जब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमारी कोई आबरू ही नहीं है यहाँ पे, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है तो हम रहेंगे क्या, करेंगे क्या, मतलब है। तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के कारण भी जो है, अब एक तरीके से लोगों ने मान लिया था कि बिल्कुल सिचुएशन बन चुकी है, हालात बन चुका है, अब कुछ करने की घड़ी आ गई है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, कि कांग्रेस के इस्तीफे के कारण देश का राजनीतिक माहौल देश का राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया था। कांग्रेस के इस्तीफे के कारण देश का जो राजनीतिक माहौल था वो गर्मा गया था। ठीक ना, कहने का मतलब है कि जनता जो है बिल्कुल एक समझ गई थी कि अब जो हालात हैं, जो कंडीशन है, वो बिल्कुल ऐसे बन चुके हैं। ठीक है। अब चलिए एक एक बात बताऊं आपसे, कि जैसे मान लीजिए आपको चोट लगी हो और कोई आदमी आके, जैसे मान लीजिए कभी कभी आदमी गिर जाता था कहीं बचपन में, कभी इंसान गिर जाता है, चोट लगी, कुछ लोग पीछे, अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे अरे पीठ सहलाने लगते हैं। एक नहीं होता है, कुछ लोग मजा लेते हैं, एक चोट लगी हो आपको और कोई मजा ले रहा, तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है बताइए। तो एक कंडीशन, कहने का मतलब ये, एक तो पूरा देश असमंजस में था, पूरे देश को उम्मीद थी अंग्रेजों से कि भाई इस हालात में भी तो आप हमें कुछ अधिकार दे दो, या हमारे देश, भाई गांधी जी ने इतना तक कह दिया जब देश के हालात इतने बुरे थे, देश के हालात जब देश के हालात इतने बुरे थे तो गांधी जी ने इतना तक कह दिया कि साहब आप हमारे हाल पर हमें छोड़ दो, आप हमारे हाल पर हमें छोड़ दो और आप यहां से चले जाओ, हम जैसे हैं वैसे ही देख लेंगे, जो होगा देखेंगे, लेकिन आप चले जाओ, यहां तक गांधी ने कह दिया था। उनको लगा था कि अंग्रेज कुछ कर नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जापान के हमले में पूरा देश पिस जाए। तो वहां पर महात्मा गांधी ने कहा कि भाई हम आपको वहां पर, वहां पर गांधी जी ने कहा कि आप हमारे देश को छोड़ दीजिए, इसके हाल पे छोड़ दिए, यहां से चले जाइए। तो यहां मैं एक चीज बता रहा था कि देखिए साहब, कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज जो है अब 1942 के दौर में, मैं आपसे बताऊं कि भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा गया। क्या था भाई, 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में क्रिप्स मिशन आया। ये क्या था भाई, ये तो आपको पता ही होगा, सर स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है कुछ लोगों का दल आया था भारत में। एक्चुअली में ये भारत के लोगों को ये कहने आया था कि हम आपको स्वशासन दे देंगे, हम आपको स्वशासन देंगे, होम रूल दे देंगे, आप लोग परेशान मत होइए, इस समय अंग्रेजों का साथ दीजिए। कहने का मतलब तो वैसे भी पूरे देश के लोग नाराज, सब लोग नाराज थे, महात्मा गांधी खुद बिगड़े हुए थे। ऐसे टाइम में आप एक बात बताइए, जो होम रूल की बात क्रिप्स मिशन कर रहा था, जिस होम रूल लीग आंदोलन की बात क्रिप्स मिशन कर रहा था, होम रूल की जो बात ये कर रहे थे, आपको पता है ना बेटा कि 1885 में
दादा भाई 1886 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में होम रूल लीग की मांग की, होम रूल की मांग की। मतलब इन लोगों का कहना था कि भाई जो चीज़ हमें 1886 में हमने मांगी थी, जो चीज़ हमने 1886 में मांगी थी, वो चीज़ आप हमें अब दे रहे हो, क्या मतलब है इस चीज़ का? हम आपसे स्वतंत्रता मांग रहे हैं और आप जो है हमको क्या दे रहे हो? हमको आप जो है लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो। जो चीज़ हमको 1886 में मिलनी थी, वो चीज़ आप हमको क्या क्या दे रहे हो? आप हमको अब दे रहे हो। तो इससे जो है ना, गांधी जी बहुत नाराज, बल्कि गांधी जी ने ये कहा कि भाई ये तो आउटडेटेड चेक है। आउटडेटेड मतलब समझ गए ना, कि एक ऐसा चेक जिसका जो है टाइम निकल गया हो, इसका टाइम खत्म हो गया हो। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो आउटडेटेड चेक है यार, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। उसमें भी किसी ने कह दिया कि ये वो भी जो है डूबते हुए बैंक का, ठीक है ना, वो भी डूबते हुए बैंक का आउटडेटेड चेक। तो ये तो हालात थे साहब, तो इसको नोट करेंगे हम लोग, लिखे इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए। हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में कि क्रिप्स मिशन आया था और क्रिप्स मिशन ने क्या कहा, इस चीज़ को हम लोग नोट करेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 1942 में, लिखेंगे कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया उन्नीस में, क्रिप्स मिशन भारत आया है ना, और ये मिशन भारत के लोगों को सुशासन देने आया था। ये मिशन भारत को सुशासन देने आया था, है ना। क्या था? जहां भी मिशन गया सबने विरोध किया, सबने कहा कि यार क्या बात कर रहे हो, जो चीज हम लोग 1886 में मांग रहे थे वो चीज आप हमको अब दे रहे हो, हमें आजादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। क्या हुआ बेटा कि क्रिप्स मिशन ने आक्रोश को और अधिक बढ़ा दिया, क्रिप्स मिशन ने आक्रोश को और अधिक बढ़ा दिया। इसको नोट कर लीजिए, क्रिप्स मिशन समझ गए ना, ये आप लोग 1942 में आया था सर स्टेफर्ड क्रिप्स के निर्देशन में। तो कहने का मतलब कि ये लोग ये कह रहे थे कि भाई इंग्लैंड की सरकार चाहती है कि आपको जो है वो, इंग्लैंड की गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोगों को सुशासन दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जहाँ जहाँ क्रिप्स मिशन गया वहाँ वहाँ लोगों ने इनसे कहा कि भैया आप चले ही जाओ, बस इसी में तुम्हारी भलाई है, ठीक है। जो चीज़ हम 1886 में मांग रहे थे, तुम आप हमको जो 1942 में दे रहे हो, यार क्या मजाक है। तो थोड़ा सा लिखेंगे बेटा इसमें हम लोग आगे, क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने क्या कहा कि इन्होंने कहा आउटडेटेड चेक। देखेंगे कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को के प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक कहा, उत्तर तिथि चेक। उत्तर तिथि का मतलब क्या होता है? उत्तर तिथि का मतलब होता है आउटडेटेड बेटा, जिस चेक का डेट निकल गया हो उसको क्या बोलते हैं? आउटडेटेड ही बोलते हैं ना, उत्तर तिथि चेक। पीटीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथि चेक कहा गांधी जी ने इसको। आप कह सकते हैं इंग्लिश में, आप कह सकते हैं पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक।
उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा इन्होंने इसको, शॉर्ट फॉर्म में आप पीडीसी कह सकते हैं, ठीक है, पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है ना, किसी ने इसमें जोड़ दिया कि वो भी डूबते हुए बैंक का। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई हैं पूरी तरह से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी बच्चे को, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए प्लीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मिटा दिया जाए। अब एक पॉइंट और आप लोगों से बात करेंगे यहाँ पर, एक पॉइंट और लिखाएंगे आपको। देखिए साहब, एक चीज़ और भी बताएं, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, हालात चाहे जो भी हो, लेकिन इंसान तब तक किसी चीज़ को नहीं पा सकता जब तक कि वो कोशिश ना करे। ये सवाल मेरा आप लोगों से भी, हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन हालात के साथ साथ चाहत का होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर इच्छा का होना। अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है तो हालात चाहे कैसे भी हो बदलाव नहीं हो सकते। बदलाव के लिए जरूरी है चाहत का होना, इच्छा का होना। ये बेटा, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, सबसे जो जरूरी चीज होता है वो इंसान की ख्वाहिश होती है, चाहत होती है। ये आपको ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो भैया। तो यहां पर यह था ना कि देश का जो हालात था, देश के जो हालात थे, देश देश के जो हालात थे वो ऐसे बन गए थे कि अब किसी को भी आजादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे देश का नेता हो, चाहे देश का नागरिक हो, चाहे देश का युवा हो, सबको ये चाहिए था कि भाई अंग्रेजों अब तुम जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भैया आप यहां से जाओ, हमें कुछ नहीं आपसे लेना देना। तो इंसान जब इस चीज पर आ जाता है ना बेटा, सबसे एक यहां पर प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ दिया, वाई ब्रिटिशर्स लेफ्ट द इंडिया, अंग्रेजों ने भारत को क्यों छोड़ दिया। तो देखो, अंग्रेजों ने भारत को इसलिए छोड़ दिया कि हिंदुस्तान की जनता अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। और हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा कि जब आवाम, जब जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं होती तो सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको जाते देर नहीं लगती। दुनिया की कितनी भी शक्तिशाली और कितनी भी क्रूअल गवर्नमेंट हो, लेकिन अगर आवाम सड़कों पे आ जाए, अगर जनता जो है वो विरोध में आ जाए, जनता अगेंस्ट में आ जाए, तो वो गवर्नमेंट जो है निष्प्रभावी हो जाती है, चली जाती है। ये एक फैक्ट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत से कारण हैं, लोग देते हैं कि ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं। सबसे जरूरी चीज है कि बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़ते थे कि एक चिड़िया थी, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है खेत में रहती थी। ठीक है, तो एक दिन चिड़िया गई थी कहीं बाहर, चिड़िया गई थी कहीं, तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो खेत में थे, तो उन्होंने आवाज़ सुनी कि कुछ लोगों को लेके खेत का मालिक आया। चिड़िया के बच्चों ने आवाज़ सुनी कि कुछ लोगों को खेत का मालिक लेके आया, उनसे बोल रहा था कि भाई खेत में काटना है इसको, फसल साफ करनी है। तो डर गए, माँ आई तो उन्होंने बोला कि माँ, मालिक आया था वो तो खेत काटने की बात कर रहा है, माँ क्या होगा। तो चिड़िया ने कहा घबराओ मत, वो अभी खेत वेत कटना उतना नहीं है। फिर उसके बाद वो अगले दिन
कोई नहीं आया। फिर किसी दिन वो लेके आया किसी को, अरे भाई फिर खेत मेरा काट दो ऐसा वैसा। फिर नहीं हुआ, चिड़िया बच्चे डर गए, माँ से बोले, माँ ने कहा डरो मत वो नहीं आएगा। लेकिन एक दिन जो है मालिक आया, उसने कहा कि अब कोई आए ना आए कल मैं खेत को काट डालूंगा, तो कल मैं खेत को काटूंगा, कल मैं खेत को काटूंगा। तो चिड़िया के बच्चों ने जब ये बात बताई तो माँ ने कहा बेटा तैयार हो जाओ, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि खेत कट जाएगा। क्योंकि इंसान जो है ना, जब तक इंसान ये जिद नहीं, जब तक इंसान रेडी नहीं होता, खुद नहीं रेडी होता बेटा ना वो काम नहीं। तो ये बात मैं आप सबसे भी कहूँगा कि देखिए साहब, यहाँ पर आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपके गार्जियंस चाहते हैं, आपके माँ बाप चाहते हैं, आपके भाई बहन चाहते हैं, आपके दोस्त चाहते हैं, कुछ नहीं होगा तब तक जब तक कि आप स्वयं नहीं चाहेंगे। तो मैं ये बात आप लोगों से बोलूँगा कि कोई भी काम करने से पहले सबसे बड़ी जरूरत ये, सबसे मैं आप सबसे कहूंगा कि सबसे बड़ी चीज होती है कि आप उस काम को करना चाहते हो या नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे आप समझ गए होंगे, आप यहां पे समझ गए होंगे कि हम क्या लिखेंगे। हम यही लिखेंगे कि भारत पूर्ण रूप से इस बात पर सहमत था कि अंग्रेजों को अब भारत छोड़ना होगा। समझ में आ गया? भारत इस बात पर सहमत था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा, यानी कोई इफ बट नहीं चलेगा, है ना। लिख सकते हैं कि नेता से लेकर नागरिक तक इस बात से सहमत थे। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, मुझे जवाब दीजिए, क्लियर है कि नहीं। मैं चाहता हूं बेटा कि ये चीज जो आप लिख रहे हैं या मैं लिख रहा हूं, ये चीज आपको फील होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए, ताकि जब आप लिखें तो वही फीलिंग एग्जामिनर में जाए और फिर आप उसे दीवाना बना के उससे नंबर ले सकते हैं। करेक्ट? तो इसको नोट करें, नोट करें, फिर आगे बात किया जाए। तो अब कोई ना इफ बट करने वाली बात ही नहीं थी। कंडीशन ये थी देश की, पृष्ठभूमि ये थी देश की, करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आंदोलन की शुरुआत की, कि भाई आंदोलन शुरू हुआ तो क्या क्या हुआ, आखिर शुरू आंदोलन में क्या क्या खास बात रहा, आंदोलन में क्या क्या स्पेशल हुआ, क्या क्या मुख्य बातें थी। तो अब हम लोग इस पर बात करें। नोट कर लीजिए इसको, तो फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएंगे, देखा जाए कि हुआ क्या, आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें क्या क्या बातें थी, क्या क्या खास बातें थी। सबसे पहले मिटाया जाए इसको,
चलिए अब हम लोग बात करेंगे आंदोलन की शुरुआत, इसकी बिगनिंग पर बात करेंगे बेटा, ना शुरुआत पर बात करेंगे या प्रसार की बात करेंगे, आंदोलन की शुरुआत, ठीक है ना, कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें क्या खास बात रही, इस पर अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से देश की जनता को अंतिम बार संबोधित किया। अच्छा, मैंने गांधी के अंदर एक चीज देखा कि गांधी वाज वेरी वेरी कमिटेड पर्सन, जो बोलते थे वो करते थे, ये चीज मैंने गांधी में यूनिक देखी। उन्होंने कहा कि आज अंतिम बार बोल रहा हूं, दोबारा कभी नहीं आऊंगा आपसे कहने की मैं ये आंदोलन चला रहा हूं, वो आंदोलन चला रहा हूं। रियली गांधी वॉज अ वेरी वेरी कमिटेड पर्सनालिटी। गांधी ने कहा ग्वालियर टैंक मैदान से कि अंतिम बार मैं देश की जनता को संबोधित कर रहा हूं कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। अब इतना जान लीजिए, हो सकता है कल तक सारे कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो जाएं। सबको, हो सकता है कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन अब आपको आंदोलन खुद चलाना है, और ये एक सच्चाई है। यकीन मानिए बेटा, आंदोलन में मुख्य भूमिका जनता की होती है, नेता तो रहते ही है, नेता तो नेतृत्व तो करता है, लेकिन प्रमुख भूमिका जनता की होती है। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, मैं टीचर हूं आपका, उस्ताद हूं आपका, क्या मैं ये आपसे कमिट करूं कि मैं आपको आईएएस बना दूंगा, तो क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या ईमानदारी से बताना सब लोग, मैं कहूं कि नहीं मैं आपको आईएएस बना दूंगा, गलत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। आइए सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मेहनत से बनोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप कभी आईएएस नहीं बनोगे। और एक टीचर का काम क्या होता है? एक टीचर का काम होता है बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट कर देना, उनको उनके पैरों पर चलने में मदद करना। मैं उंगली पकड़ाकर आपको नहीं चला सकता। गांधी ने क्या किया? गांधी ने क्यों 1942 में ही कहा कि करो या मरो? कभी आप सोचा आपने कि क्यों 1942 के आंदोलन में बोला कि करो या मरो? ये बात गांधी जी शुरू में ही बोल सकते थे। इसलिए नहीं बोला क्योंकि इंडिया की जो जनता थी वो इसके लिए तैयार नहीं थी, रेडी नहीं थी। और जब वो रेडी हो गई और गांधी जी को लग गया कि अब समय आ गया, क्योंकि गांधी जी को पता था, ये मैंने ये बात अभी बोली थी कि तब तक किसी चीज को आप नहीं पा सकते जब तक कि आपके अंदर स्वयं उस चीज को पाने की ललक ना हो, चाहत ना हो। जब जनता इसके लिए तैयार हो गई, जब जनता इसके लिए तैयार हो गई, जब जनता ने ये मान लिया इससे कम कीमत हमको कुछ नहीं चाहिए, आजादी से कम कुछ नहीं चाहिए, और अंग्रेजों जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ दो, जाओ यहां से, जब हिंदुस्तान की आवाम ने ये बात मान लिया और गांधी जी को समझ में आ गया था। गांधी जी के बारे में एक बात मैं आपसे कहूंगा, गांधी जी जनता के ना बहुत अच्छे डॉक्टर थे, आंदोलन के बहुत अच्छे डॉक्टर थे, जनता की नब्ज पकड़ते थे। जब धड़कने तेज होती थी, जैसे ही लोगों के अंदर उग्रता बढ़ती थी, गांधी जी आंदोलन छेड़ देते थे, और जैसी नब्ज कमजोर होती थी, जैसे ही जो है आंदोलन सुस्त पड़ता था, आंदोलन को वापस लेते थे। ये कहा जाता है और ये रियलिटी है। बहुत बेहतरीन विशेषज्ञ थे महात्मा गांधी,
तो अब गांधी ने देख लिया था कि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो बिल्कुल रेडी है, तैयार है कुछ कर गुजरने के लिए। तो गांधी ने क्या किया, साहब कहोगी शुएब अख्तर वॉज द वेरी फास्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड दैट टाइम, एंड सचिन तेंदुलकर वॉज अ वेरी गुड बैट्समैन ऑफ देयर टाइम। तो शुएब अख्तर और सचिन के बीच जब कभी मैच देखने का मौका मिलता था तो एक चीज़ देखा गया कि शुएब जो है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज़ बॉलिंग फेंकते थे, तो शुएब अख्तर की जो बॉल होती थी उसकी रफ्तार ज़्यादा होती थी। और भाई वहाँ पे इतनी रफ्तार में जब बॉल बॉल जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, उसमें क्या कोई बैट्समैन ताकत लगाएगा। तो सचिन के बारे में देखा गया, सचिन तेंदुलकर जी के बारे में, कि उन्होंने वो क्या करते थे कि सचिन जो है सिर्फ और सिर्फ बॉल को दिशा देते थे, सिर्फ दिशा देते थे, बॉल बाउंड्री लाइन के पार। तो गांधी जी को आप ऐसे ही देखो, गांधी जी जनता की नब्ज के बहुत अच्छे माहिर थे, उनको पता था कि अंदर क्या हो रहा है, जनता क्या सोच, जनता क्या चाहती है, और बस उसी हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाते थे। तो समझ में आ गया बेटा, ये चीज क्लियर हो गई। यहां पर क्या है, यहां पर सबसे बड़ी चीज यही है कि गांधी जी बिल्कुल रेडी हो गए थे, उनको समझ में आ गया था कि बस अब यही लास्ट है, इससे आगे चीजें नहीं जाएंगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा लिख लिया जाए जैसे ही। अच्छा, इससे पहले कि आंदोलन शुरू हो, है ना, 8 अगस्त उन्नीस में गांधी जी ने मुंबई या बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से जनता को संबोधित किया ना भाई, किया कि नहीं किया। यहीं पर उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया जनता को, कि डू और डाई, संबोधित किया। और ठीक उसी समय कहा जाता है कि इससे पहले कि आंदोलन शुरू हो, सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत कर दी। जीरो आवर की शुरुआत कर दी। आपको बताइए ना बेटा, जीरो आवर जो है यही वो ऑपरेशन था जिसमें कांग्रेस के जितने भी छोटे बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया, यहां तक कि महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, 9 अगस्त के दिन अरुणा आसफ अली तिरंगा झंडा फहराकर आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अरुणा आसफ अली ने तिरंगा झंडा फहराकर आंदोलन की शुरुआत की। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अगर आप नोट कर लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और बात करेंगे। देखिए साहब, इस आंदोलन में कुछ और, इस आंदोलन में जो नेता थे जो गिरफ्तार होने से बच गए, जैसे
जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया साहब, है ना। इसके अलावा यूसुफ मेहर अली साहब, तो इस तरह के जो नेता थे वो भूमिगत होकर उन्होंने आंदोलन को बनाए रखा। मतलब ऐसा भी नहीं था, बड़े बड़े नेता तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो उनके बाद जो उनके नीचे नेता थे, यानी जो छोटे नेता थे, छोटे नेता नहीं कहेंगे, बड़े बड़े नेता तो गिरफ्तार हो गए, कुछ नेता जो है वो भूमिगत होकर आंदोलन को चला रहे। मिटाया जाए इसको। ठीक है ना। तो इसमें अब हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ की। चलिए आइए, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ बता रहा था कि, है ना, कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, है ना। लेकिन कुछ नेता भूमिगत तौर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे जयप्रकाश नारायण, जैसे जेपी, आप जयप्रकाश नारायण को ले लीजिए, ठीक, राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, और उसके बाद यूसुफ मेहर अली, है ना, आदि। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, प्लीज नोट कर लीजिए। बेटा नोट कर लीजिए इस लाइन को भी, और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए।
अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे स्टेप नेक्स्ट पैरा में, नेक्स्ट पैरा में बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन की कुछ अपनी विशेषताएं, अपनी विशेषताएं ये है कि लोगों को सरकार से इतनी नफरत थी कि जहाँ जहाँ सरकार के निशान दिखे लोगों ने उसको मिटा दिए। चाहे वो रेल की पटरी हो, चाहे वो रेल की पटरियों को बम से उड़ा दिया, चाहे वो डाक हो, चाहे वो डाक तार हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, जो भी सरकार के निशान थे वो सब लोगों ने मिटा दिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को अंग्रेज नाम से नफरत हो गई, लोगों को अंग्रेज सरकार से एकदम नफरत हो गई। और वही चीज़ है कि इंसान जब दिल से किसी चीज़ को निकाल देता है, जब दिल से किसी चीज़ को करने के लिए आमादा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर की दया से वो काम मुकम्मल होता है। ये चीज़ है। तो क्या लिखेंगे? आगे हम लोग लिखेंगे कि लोगों के हृदय में अंग्रेजी सरकार के प्रति इतनी नफरत थी, लोगों के दिलों में, क्या लिखेंगे बेटा, कि लोगों के हृदय में, लोगों के दिलों में अंग्रेजी सरकार के प्रति इतनी नफरत थी उन्होंने जहां जहां सरकारी निशान देखे उसे मिटा डाला। जैसे अंग्रेजी कारखाना, जैसे रेलवे लाइन, पुलिस स्टेशन, डाक तार, सब आदि। मतलब ये था साहब कि चारों तरफ ये मूवमेंट फैल चुका था। अंग्रेज बहुत चक्के थे, अंग्रेजों के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। ये हाल था कि मतलब जो काम 1857 के गदर में नहीं हुआ, जो काम 1857 की क्रांति में नहीं हुआ, वो काम लोगों ने अब किया। मतलब पूरी जनता ने, कहते हैं ना बेटा कि जब जनता सरकार के खिलाफ हो जाए तो सरकार चाहे कितनी भी क्रूर क्यों ना हो उसे जाना पड़ता है। तो वही था। सबसे बड़ी चीज़ है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की आवाम को तोड़ा, फूट डाला, लड़ाया, शासन किया। फूट डालो, शासन करो। गांधी ने जोड़ डाला, सबको एक कर दिया। गांधी ने, यकीन मानिए, महात्मा गांधी ने लोगों को ये समझा दिया कि अंग्रेज आपके नहीं है। अंग्रेजों से मोहब्बत करके आप बहुत दिनों तक सुखी नहीं रह सकते। यही कारण था कि 1857 की क्रांति में, 1857 की, यही कारण था कि 1857 की क्रांति में जो जो समाज का एलर्ट क्लास था, जो बड़े लोग थे, वो बड़ा उहापोह में थे कि क्या होगा। बहुत से लोग थे जो अंग्रेजों के समर्थन, बहुत से लोग थे जो अंग्रेजों के
हितैषी भी थे, बहुत से लोग थे जो चाहते थे कि अंग्रेज बने रहे। कहीं ना कहीं से वो सैनिकों सैनिकों ने अपनी जान दे दी है ना, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो जो बिलीव है लोगों के दिल में, अंग्रेजों की जो मोहब्बत थी वो निकल नहीं पाई थी। जो बड़े लोग थे, जो अंग्रेजों को सुरक्षा दे रहे थे, जो राजा लोग थे, लेकिन गांधी जी ने सबको ये बता दिया कि अगर अंग्रेजों को आप सपोर्ट करोगे ना। अच्छा ये चीज़ है बेटा, एक बड़ी पॉइंट की बात आपको बता रहा हूँ। आप किसी को ना अगर समझाना हो तो आप उससे ये मत कहो कि आप ये काम करो, वो कभी नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल है कि वो काम करेगा, उसको लगेगा कि इनमें इनका कोई हित है। आप उसको उस पॉइंट पे लाके छोड़ दो जहां पर वो डिसीजन ले ले, वो काम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। गांधी जी ने हिंदुस्तान की जनता को उस पॉइंट पे लाके छोड़ दिया कि उनको खुद ब खुद लगने लगा कि अंग्रेजों को निकालना बड़ी जरूरी है, अंग्रेज अगर यहाँ रहे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो यही वजह है बेटा, ये बड़ा बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। किसी से आप बार बार कहोगे कि ये काम कर लो, ये जरूरी है, ये होना चाहिए, वो नहीं होना। उसको लगेगा कि यार इस बंदे का कोई फायदा है, इसका अपना कोई फायदा है। लेकिन अगर आप उस पॉइंट पे लाके उसको छोड़ दो ना, उसको एहसास हो जाएगा नहीं आ रहा है, ही इज सेइंग ट्रू, ये बंदा जो बोल रहा है वो एकदम से ट्रू है, ये फैक्ट है, वो इस काम को करेगा। तो ये महात्मा गांधी ने यही काम किया था कि जहां जहां लोगों ने देखा ना, इतनी नफरत थी लोगों को अंग्रेजी सरकार से कि जहां जहां निशान दे, जहां जहां निशान दे के सारे निशानों को क्या किया, मिटा डाला, खत्म कर दिया लोगों ने। तभी तो इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है, जो खुद ही से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने देखा। अच्छा, इसमें बहुत से ऐसे हिंदुस्तान में जगह भी थे जिन्होंने आज़ादी का ऐलान भी किया। बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे जगह थे, स्थान थे जो आज़ाद हो गए। इसको पहले मिटाएं तो फिर हम लोग बात किया जाए। सबसे पहले इसको आप मिटा लीजिए, इसको मतलब लिख लीजिए, फिर मैं मिटा दूँ, फिर अगले पॉइंट को लिखाता हूँ। हम लोग ये पढ़ रहे हैं इसमें, इस टॉपिक क्या हुआ 1857 के आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की क्या विशेषताएं थी, इसमें क्या हुआ। तो एक तरह से हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं। करेक्ट, किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए हम लोग मिटा दिया जाए इस चीज को, ये लाइन। मैं ये कह रहा था कि बहुत से देश में ऐसे स्थान थे जहां पर जो है स्वतंत्र सरकार बनी, आजाद रियासतें बनी। सबसे पहले बगावत करने वाला जो जिला है वो बलिया है। आज भी बलिया के लोग अपने नाम के साथ बागी लगाते हैं, जो इस बात की दलील है। तो सबसे पहले बलिया आज़ाद हुआ चित्तू पांडे और मंगल चित्तू पांडे सबसे पहले बलिया आज़ाद हुआ चित्तू पांडे के नेतृत्व में। फिर तामलुक, फिर सतारा, ये सब इलाके आज़ाद हुए इस बातों की दलील है। वहाँ पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया जो सबसे पहले ये इलाके आज़ाद हुए। तो इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान के लोगों ने ये कह दिया कि भाई अब नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं। तो हम क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, भारत में कुछ ऐसे स्थान थे जो पहले ही
जिन्होंने पहले ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। करेक्ट, उनमें बंगाल में था तामलुक, है ना, बलिया, सतारा, ठीक, मुख्य रूप से शामिल थे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये भी हुआ था इस आंदोलन में। नोट कर लीजिए बेटा इस लाइन को, तो बच्चों ये चीज कहूंगा कि ये जो क्लास है कैसी लगी आप लोगों को, इसके बारे में मुझे जरूर बताना, अपने कमेंट्स लिखना, मुझे इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा इसके बारे में। और थोड़ा सा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऐलान है, मैं आपको बता दूँ कि स्पेशल जो क्लासेस है मेरी वो अन अकेडमी के ऐप पर चल रही हैं। जितने भी बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो क्लास तक पहुँच ही नहीं पा रहे, तो आप सबको मैं थोड़ा सा बेटा बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को जान लीजिए कि कैसे अन अकेडमी पर पहुंचते हैं, स्पेशल क्लास क्या होती है। देखिए साहब, हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं इस समय ना, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यूट्यूब पर आपकी क्लास नहीं चल रही है, तो स्पेशल जो क्लासेस हैं है ना, वो ऐप पर चल रही है, अन अकेडमी का जो ऐप है वहां पर चल रही है, इसको ध्यान दीजिए बेटा। ये जो क्लास है, ठीक, सभी बच्चों के लिए फ्री है, ठीक, इसका कोई पेमेंट नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। क्लास की जो टाइम है सुबह में 11 बजे से, ठीक, और शाम को 6:30 बजे से, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, मेंस का ही टॉपिक चल रहा है, तो ये जो है क्या नाम है, ये टाइमिंग है। मैं आप सब से, सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है वो ऐप पर भी आइए। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि कैसे ऐप पर जुड़ते हैं। ये देखिए, ये जो ऐप आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप, सबसे पहले अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में जाइए, इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद सर्च का ऑप्शन आता है बेटा, देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है ना, सर्च, तो सर्च बटन में मेरा नाम सर्च करिए, MOHDNADIM। जैसे ही आप सर्च करोगे वैसे ही मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, वहां पर देखना स्पेशल क्लास, वहाँ पे स्पेशल क्लास का ऑप्शन आएगा या लाइव का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए मुझसे, मुझे फॉलो भी कर दीजिए। और साथ में ये आप सबसे एक चीज़ कहूँगा कि देखिए साहब, मैं आप लोगों का गुरु हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो एक बात बोलूँगा कि अनअकैडमी पर एडमिशन आप ज़रूर लो, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर बेनिफिशियल नहीं होता तो मैं नहीं बोलता। अन अकेडमी इज बेनिफिशियल फॉर यू। वाई, क्यों? तो क्यों का जवाब यह बेटा कि अन अकेडमी इज अ चीपेस्ट प्लेटफॉर्म, इससे सस्ता कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप अपने घर में रह के, अपने माँ बाप के साथ रहकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब इसमें यह है कि मैं कहूंगा कि अगर आप समर्थ हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इसमें कोच या गाइड आपको मिलता है, ठीक है ना। और साथ में एक निवेदन, साथ में मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप एडमिशन लीजिए मेरे ही रेफरल कोड को यूज करिए, MNUS को, ठीक है ना। जब भी एडमिशन लीजिए तो यूज करिए मेरा रेफरल कोड MNUS। जैसे ही आप मेरे रेफरल कोड को यूज करेंगे 10% फीस आपकी कम हो जाएगी, और एक मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, और जल्दी ही अगले महीने यूट्यूब पर हमारी क्लासेस शुरू होंगी और कोशिश होगी कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करेंगे। अभी तो आप स्पेशल क्लासेस में आइए, और यहाँ पर ध्यान देना बेटा, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए इस क्लास को, हो सकता है किसी स्टूडेंट का भला हो जाए, हो सकता है आपके अलावा किसी स्टूडेंट का भला हो जाए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग क्लास में आए, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।